गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए WH फैमिली वर्ड फॉर हूज से प्रश्न कैसे बनाए। जी हाँ दोस्तों, फॉर हूज जिसके बाद भी एक नाउन लगता है, जैसे फॉर हूज और उसके बाद कोई नाउन जोड़ना पड़ेगा तब उसका मीनिंग निकलेगा किसके नाउन के लिए, मतलब किसके बेटे के लिए, किसकी मम्मी के लिए, किसके अंकल के लिए, किसके पापा के लिए, किसकी किसकी डॉटर के लिए, किसकी कंपनी के लिए, किसके यूट्यूब चैनल के लिए, किसके सपोर्ट के लिए, किसकी मदद के लिए, मतलब क्या करना है, फॉर हूज लगाना है, उसके बाद किसी नाउन को जोड़ना है तब उसका मतलब, जैसे फॉर हूज कंपनी किसकी कंपनी के लिए, फॉर हूज चैनल किसके चैनल के लिए, फॉर हूज मदर किसकी मम्मी के लिए, फॉर हूज सन किसके बेटे के लिए, फॉर हूज टीचर किसके टीचर के लिए, फॉर हूज हेल्प किसकी मदद के लिए, फॉर हूज सपोर्ट किसके सपोर्ट के लिए, इस तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी फॉर हूज से क्वेश्चन बनाना डिटेल में सीखना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फ्रॉम हूज के बारे में, है ना, जैसे किसकी मदद से फ्रॉम हूज हेल्प, किसकी कंपनी से फ्रॉम हूज कंपनी, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे हम फॉर हूज और उसके बाद किसी नाउन को जोड़ने वाले। तो आइए सीखते हैं कि हम फॉर हूज से क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया आज हम फॉर हूज से प्रश्न बनाना सीखने वाले, फॉर हूज है ना, और उसके बाद कोई ना कोई नाउन जुड़ेगा, बिना नाउन जुड़े हम इसमें क्वेश्चन नहीं बना सकते। फॉर हूज और उसके बाद कोई नाउन जुड़ने वाला है, ठीक है। अब यहां देखिएगा मैंने फॉर हूज और उसमें नाउन जोड़कर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, उसके मीनिंग एग्जैक्ट हम क्या निकाल सकते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। पहला, फॉर हूज सन डिड यू टॉक इन कॉलेज। अब पहले फॉर हूज सन को अलग करते हैं। अब डिड यू टॉक, क्या तुमने बात की इन कॉलेज, कॉलेज में, क्या तुमने कॉलेज में बात की। फॉर हूज सन, किसके बेटे के लिए, तुमने कॉलेज में किसके बेटे के लिए बात की, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकला। आगे देखिए, फॉर हूज डॉटर, थोड़ा सा इसको अलग करते हैं। आर दे लुकिंग फॉर बॉय, आर दे लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, आर दे लुकिंग फॉर, क्या वे ढूंढ रहे हैं, बॉय लड़का, क्या वे लड़का ढूंढ रहे हैं। फॉर हूज डॉटर, किसके डॉटर के लिए, किसकी पुत्री के लिए, किसकी बेटी के लिए, वे किसकी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, है ना, शादी के लिए व्हाटएवर, तो वे किसकी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। आगे देखिए, फॉर हूज फादर्स डिसीज, तो पहले हम लोगों को इसको पूरा टोटल को निकालना पड़ेगा। फॉर हूज फादर्स डिसीज, है ना, डिड वी आस्क फॉर हेल्प टू सी हिम, डिड वी आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, क्या हमने मांगी, डिड वी आस्क फॉर, क्या हमने मांगी हेल्प, क्या हमने हेल्प मांगी टू सीएम, सीएम से, क्या हमने सीएम से हेल्प मांगी। फॉर हूज फादर्स डिसीज, किसके पापा की बीमारी के लिए हमने सीएम से मदद मांगी, हमने किसके पापा की बीमारी के लिए सीएम से मदद मांगी। आगे देखिए, फॉर हूज मदर, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। आर दे सपोर्टिंग, आर दे सपोर्टिंग का मतलब होता है क्या वे सपोर्ट कर रहे हैं, आर दे सपोर्टिंग, क्या वे सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर हूज मदर, किसकी मम्मी के लिए, वे किसकी मम्मी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकला, वे किसकी मम्मी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, फॉर हूज टीचर, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। फॉर हूज टीचर डिड अमन बाय गिफ्ट, पहले इसको देखते हैं, डिड अमन बाय गिफ्ट, क्या अमन ने गिफ्ट खरीदा, बाय का मतलब होता है खरीदना, गिफ्ट मतलब होता है उपहार, क्या अमन ने गिफ्ट खरीदा। फॉर हूज टीचर, किसके टीचर के लिए, अमन ने किसके टीचर के लिए गिफ्ट खरीदा, ये इसका मतलब निकला। आगे देखिए, फॉर हूज कोचिंग वर स्टूडेंट्स कैनवासिंग, तो थोड़ा सा फॉर हूज कोचिंग को अलग करते हैं। वर स्टूडेंट्स कैनवासिंग, वर स्टूडेंट्स कैनवासिंग, क्या स्टूडेंट्स प्रचार कर रहे थे, वर स्टूडेंट्स कैनवासिंग, क्या स्टूडेंट्स प्रचार कर रहे थे। फॉर हूज कोचिंग, किसकी कोचिंग के लिए, स्टूडेंट्स किसकी कोचिंग के लिए प्रचार कर रहे थे। आगे देखिए, फॉर हूज हेल्प, आगे इसको ओपन करते हैं। आर ऑल द बॉयज रेडी, आर ऑल द बॉयज रेडी, इसका मीनिंग निकालते हैं। ये टू बी का सेंटेंस है क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव है। सो आर ऑल द बॉयज रेडी, क्या सभी बॉयज तैयार हैं, क्या सभी लड़के तैयार हैं। फॉर हूज हेल्प, किसकी मदद के लिए, सभी लड़के किसकी मदद के लिए तैयार हैं। आगे देखिएगा, फॉर हूज कैंपेनिंग, किसके प्रचार के लिए, डिड पीएम कम हियर, क्या पीएम यहां आया, डिड पीएम कम हियर, क्या पीएम यहां आया, पीएम किसकी मदद के लिए यहां आया, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग हुआ, पीएम किसकी मदद के लिए यहां आया। आगे देखिए, फॉर हूज यूट्यूब चैनल आर यू वर्किंग हार्ड, तो इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। फॉर हूज यूट्यूब चैनल आर यू वर्किंग हार्ड, क्या तुम मेहनत कर रहे हो,
किसके YouTube चैनल के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, ये इसका मीनिंग निकलेगा। फॉर हूज यूट्यूब चैनल, किसके यूट्यूब चैनल के लिए, आर यू वर्किंग हार्ड, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम किसके यूट्यूब चैनल के लिए मेहनत कर रहे हो। आगे देखिए, फॉर हूज सपोर्ट वर टीचर्स स्लॉगनिंग, फॉर हूज सपोर्ट, किसके सपोर्ट के लिए, किसकी मदद के लिए वर टीचर्स स्लॉगनिंग, वर टीचर्स स्लॉगनिंग, इसका मीनिंग क्या टीचर्स नारा लगा रहे थे, क्या टीचर्स नारा लगा रहे थे, किसकी मदद के लिए, किसके सपोर्ट के लिए टीचर्स किसके सपोर्ट के लिए नारा लगा रहे थे। तो दोस्तों इस स्लाइड में या यू कहूं इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की कि हम लोग फोर हूज से प्रश्न कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। हमने क्या किया है, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव का मीनिंग देखते हैं, उसके बाद हम WH वर्ड को जोड़ते हैं। आगे की स्लाइड में हम समझेंगे कि किस तरह से हम किसी से कम्युनिकेट करते वक्त सडन प्रश्न बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आइए उसको भी सीखते हैं। अब देखिएगा, अब हमें बनाना है, हमें बनाना है फॉर हूज प्लस नाउन, किसके नाउन के लिए, है ना। अब मुझे बनाना है किसकी, तुम किसकी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उसने किसके फ्रेंड के लिए मदद की थी, तुम किसके सपोर्ट के लिए यहां आए हो, वह किसकी किसके ऑफिस के लिए, वह किसके ऑफिस के लिए लड़का ढूंढ रहा है, तुमने किसके किसकी मदद के लिए यह काम किया, वह किसकी मम्मी के लिए, वह किसकी मम्मी के लिए रोजगार ढूंढ रहा है, किसका, किसकी या किसके, और नाउन के लिए, ऐसा आने वाला है। अब उसको बनाएंगे कैसे, तुम किसके सपोर्ट के लिए यह काम करते हो, तुम किसके सपोर्ट के लिए काम करते हो, पहले क्या तुम यह काम करते हो, सो डू यू डू दिस वर्क, डू यू डू दिस वर्क, क्या तुम यह काम करते हो, डू यू डू दिस वर्क, किसके सपोर्ट के लिए, फॉर हूज सपोर्ट, किसके सपोर्ट के लिए तुम यह काम करते हो। दूसरा, किसकी कंपनी के लिए वह किसकी कंपनी के लिए सीरियस था, वह किसकी कंपनी के लिए सीरियस था, पहले बनाओ क्या वह सीरियस था, वॉज ही सीरियस, किसकी कंपनी के लिए, फॉर हूज कंपनी, वह किसकी कंपनी के लिए सीरियस था, तुम किसकी कोचिंग के लिए प्रचार कर रहे हो, किसकी कोचिंग के लिए, तो पहले बनाओ क्या तुम प्रचार कर रहे हो, आर यू कैनवासिंग, आर यू कैनवासिंग, किसकी कोचिंग के लिए, फॉर हूज कोचिंग, तुम किसकी कोचिंग के लिए प्रचार कर रहे हो, उसने किसके पापा के लिए, उसने किसके पापा के लिए 10,000 रुपए उधार लिए, उसने किसके पापा के लिए 10,000 रुपए उधार लिए, तो पहले बनाओ क्या उसने 10,000 रुपए उधार लिए, सो डिड ही बोरो 10,000 रुपीज, डिड ही बोरो 10,000 रुपीज, बोरो मतलब होता है उधार लेना, सो डिड ही बोरो 10,000 रुपीज, किसके पापा के लिए, फॉर हूज फादर, फॉर हूज फादर, ठीक है, किसकी को, अब मैं बोलू किसके ऑफिस के लिए वह लड़का ढूंढ रहा था, वह किसके ऑफिस के लिए लड़का ढूंढ रहा था, ऑफिस में काम करने वाला कोई लड़का, वह किसके ऑफिस के लिए लड़का ढूंढ रहा था, या वह किसके ऑफिस के लिए वर्कर ढूंढ रहा था, सो पहले क्या वह वर्कर ढूंढ रहा था, वॉज ही सर्चिंग वर्कर, क्या वह लड़का ढूंढ रहा था, क्या वह वर्कर ढूंढ रहा था, किसके ऑफिस के लिए, फॉर हूज ऑफिस, किसके ऑफिस के लिए, तुमने किसकी कंपनी के लिए, तुमने किसकी कंपनी के लिए अखबार में विज्ञापन दिया, तुमने किसकी कंपनी के लिए अखबार में विज्ञापन दिया, पहले क्या तुमने अखबार में विज्ञापन दिया, सो डिड यू एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर, डिड यू एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर, किसकी कंपनी के लिए, सो फॉर हूज कंपनी, फॉर हूज कंपनी, किसकी कंपनी के लिए तुमने अखबार में विज्ञापन दिया, वे किसके सपोर्ट के लिए यहां आए हैं, क्या बोला मैंने, वे किसके सपोर्ट के लिए आए हैं, पहले क्या वे यहां आए हैं, आए हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव दे कम हियर, क्या वे यहां आए हैं, किसके सपोर्ट के लिए, फॉर हूज सपोर्ट, किसके सपोर्ट के लिए वे यहां आए हैं, तुमने किसकी बहन के लिए, तुमने किसकी बहन के लिए यह कॉलेज ढूंढा,
मतलब सपोज हमारी कोई दोस्त की सिस्टर है, उसके लिए हम कॉलेज ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअल किसके कौन से कॉलेज में उसका एडमिशन करवाना चाहिए, तो तुमने किसकी बहन के लिए यह कॉलेज ढूंढा? सो पहले क्या तुमने कॉलेज ढूंढा, क्या तुमने यह कॉलेज ढूंढा? सो डिड यू फाइंड दिस कॉलेज? क्या तुमने यह कॉलेज ढूंढा? किसकी बहन के लिए? फॉर हूज सिस्टर? फॉर हूज सिस्टर डिड यू फाइंड दिस कॉलेज? मोहन किसके भाई के लिए जॉब ढूंढ रहा था? मोहन किसके भाई के लिए जॉब ढूंढ रहा था? पहले बनाओ, क्या मोहन जॉब ढूंढ रहा था? सो वॉज मोहन लुकिंग फॉर जॉब? लुकिंग फॉर जॉब. सो वॉज मोहन लुकिंग फॉर जॉब? किसके भाई के लिए? आगे लगा दो फॉर हूज ब्रदर. ओवरऑल सेंटेंस क्या हुआ? फॉर हूज ब्रदर वॉज मोहन लुकिंग फॉर जॉब? मोहन किसके भाई के लिए जॉब ढूंढ रहा था? आगे, तुमने किसके YouTube चैनल के लिए काम किया? तुमने किसके YouTube चैनल के लिए काम किया? तो पहले बनाओ, क्या तुमने काम किया? काम किया, किया मतलब पास्ट सिंपल टेंस. डिड यू वर्क? क्या तुमने काम किया? डिड यू वर्क? किसके YouTube चैनल के लिए? फॉर हूज YouTube चैनल? फॉर हू? फॉर हूज YouTube चैनल? तुमने किसके YouTube चैनल के लिए काम किया? दोस्तों उम्मीद करता हूं स्लाइड के माध्यम से आपको फॉर हूज प्लस नाउन से प्रश्न कैसे बनाना है समझ में आ ही गया होगा. एक्चुअल हमारा तरीका क्या होता है, किसी भी WH पैटर्न से अगर हमको क्वेश्चन बनाना है तो पहले उसका जो इंट्रोगेटिव होता है उस पर अटैक करना है हम लोगों को, उसको ढूंढना है, उसको पहले बनाना है और उसके बाद WH वर्ड जोड़ देना है. शुरू शुरू में यह टफ लगता है लेकिन बाद में हम जितनी इसकी प्रैक्टिस करते चलते बहुत आसानी से ये बनते चले जाते हैं माइंड में और ओरली हम लोग उसको आसानी से बोल लेते हैं. उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, फॉर यूज का एक्चुअल यूज क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए WH वर्ड के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.